आई वरुण जैन वेलकम यू ऑल टू सीए वरुण जैन अपडेट सीरीज। मैंने आप लोगों के साथ कल एक वीडियो शेयर किया था जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे न्यूज़ की अपडेट शेयर करता हूँ। ये वीडियो उस वीडियो के रिलेशन में नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 80CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। एज यू ऑल नो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। थोड़ा सा टेक्निकल है बट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेनिफिशियल है एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सेक्शन में आपको एक ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा। 80CCD कहता है, ये सेक्शन कहता है, अगर किसी इंडिविजुअल ने अमाउंट डिपॉजिट किया है कहां पर, पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम NPS। अगर किसी इंडिविजुअल ने NPS में अमाउंट डिपॉजिट कराया है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उसको उस अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80CCD। अंडर सेक्शन 80CCD अगर किसी इंडिविजुअल ने NPS में पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसकी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मैं इस डिस्कशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसमें तीन सेक्शन डिस्कस हो सकते हैं, 80CCD 1, 80CCD 1B एंड 80CCD 2। 80CCD 1 क्या कहता है? 80CCD 1 कहता है कि किसी एम्प्लॉय ने, पहले तो बता दूं ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल पर्सन कौन है, ओनली इंडिविजुअल्स नॉट एचयूएल। इंडिविजुअल भी कौन से, एम्प्लॉयज वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। मेन पॉइंट एंड मेन बेनिफिट इज अदर देन एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल असेसीज हैं। अब 80CCD 1 क्या कहता है, किसी इंडिविजुअल ने, किसी एम्प्लॉय ने NPS में पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसको 80CCD 1 में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज सैलरी। सैलरी के 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी में क्या क्या पार्ट कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड होंगे, बेसिक प्लस DA। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल ने NPS में पैसा डिपॉजिट कराया है तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट की एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज सैलरी। अब आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक सेक्शन होता है 80CCE, ये लिमिट लगाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कि कितना मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है डिडक्शंस के लिए। ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD 1 इज 1.5 लाख। यानी कि इन तीनों सेक्शन को मिला के, 80C को मिला के, 80CCC को मिला के, 80CCD 1 को मिला के मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इज ओनली 1.5 लाख। This is as per section 80CCE। तो क्या क्या हुआ, कहने का मतलब क्या रहा, 80CCD 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय ने NPS में पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी उस अमाउंट की विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज सैलरी। बट इसके ऊपर किसका हाथ है, 80CCE का हाथ है कि 1.5 लाख से डिडक्शन ज्यादा नहीं मिलेगी। अब 2015 में, 2015 के बजट में न्यू सबसेक्शन 1B वॉज इंसर्टेड अंडर सेक्शन 80CCD विच सेज कि अगर किसी एम्प्लॉय ने NPS में पैसा डिपॉजिट कराया है तो 50,000 रुपीज की एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी। इस पे 80CCE की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या रहा, एम्प्लॉय ने जो भी पैसा जमा कराया है तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्शन ले जाएगा फ्रेंड्स, 2 लाख रुपीज के। डोंट यू सी इट्स वेरी बेनिफिशियल, आपको लगता है काफी बेनिफिशियल है। मान लो अगर 80CCD में क्लेम नहीं कर रहा, न्यू पेंशन स्कीम नहीं क्लेम कर रहा, सिर्फ मैं 80C क्लेम कर रहा हूँ, 80CCC क्लेम कर रहा हूँ तो मेरे को मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक ही मिल सकता है। अगर मैंने 80CCD ले लिया, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने 80CCD ले लिया तो मेरे को 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है।
It's very beneficial. Then there is 80CCD2. ये सेक्शन क्या कहता है? अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे एनपीएस में पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट की भी एम्प्लॉई डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80CCD2। अगर किसी एम्प्लॉयर ने एनपीएस में पैसा डिपॉजिट करा दिया एम्प्लॉई के बिहाफ पे, तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट की एम्प्लॉई डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80CCD2, विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज सैलरी। सैलरी इज बेसिक प्लस डीए। एंड मेन पॉइंट टू बी नोटेड, इस पे 80CCE की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इस पे 80CCE की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लेट अस डिस्कस दिस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक्स इज एन एम्प्लॉई, उसकी सैलरी है 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए की सैलरी है, बेसिक प्लस डीए। एम्प्लॉई ने एनपीएस में पैसा डिपॉजिट करा दिया, लेट अस से 10% डिपॉजिट करा दिया, 10% कितना हुआ इसका 3 लाख रुपीज की। अब चेक करते हैं डिडक्शन किस किस में मिल जाएगी। 80CCD1 में डिडक्शन मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी। कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम 10% ऑफ हिज सैलरी, 10% ऑफ हिज सैलरी इज 3 लाख रुपीज। बट क्या इस पे 80CCE का रोक है? बिल्कुल है, 80CCE की रोक है। कितने तक की मिल सकती है? ओनली 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए डिडक्शन यहां लेगी। 2015 में 80CCD1B भी आ गया, इसके अकॉर्डिंग एडिशनल डिडक्शन कितनी ले सकता है? 50,000 रुपीज की। यानी कि एम्प्लॉई अपने डिपॉजिटेड अमाउंट की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकता है? 2 लाख रुपए की। हाँ, ले गया। ये था एम्प्लॉई का केस, अगर एम्प्लॉई ने पैसा जमा कराया। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर ने भी पैसा जमा करा दिया, एम्प्लॉयर ने पैसा डिपॉजिट करा दिया एम्प्लॉई के बिहाफ पे, उसकी मैक्सिमम कितनी डिडक्शन ले सकता है वो? 10% ऑफ हिज सैलरी। तो लेट अस से 10% ही उसने डिपॉजिट करा दिया, कितना हो गया? 3 लाख रुपए। अब 80CCD2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्शन ले सकता है? 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 3 लाख रुपीज। क्या इस पे 80CCE अप्लाई होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या रहा? एम्प्लॉई कितने की डिडक्शन ले गया? 2 + 3, 5 लाख रुपीज की यहां डिडक्शन ले गया। खुद के डिपॉजिट पे 2 लाख रुपए की, एम्प्लॉयर के डिपॉजिट पे 3 लाख रुपए। 80CCD1 में 1.5 लाख की, 80CCD1 में 50,000 रुपए की, 80CCD2 में 3 लाख रुपीज की। एम्प्लॉई सीधा सीधा 5 लाख रुपए की डिडक्शन यहां पर क्लेम कर गया। ये तो था डिपॉजिट केयर केस में। अब आता है, अगर हम उस स्कीम में से, उस अकाउंट में से, एनपीएस के अकाउंट में से पैसा अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ उसके लिए भी प्रोविजन होने चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। ये तो लोग क्या करेंगे, पैसा जमा कराया, डिडक्शन क्लेम करी, पैसा निकाल लेंगे। ऐसा तो करेगी नहीं गवर्नमेंट। लॉ सेज लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी, अगर हमने पैसा विड्रॉ कराया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो पैसा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली बड़ा हार्श प्रोविजन हो जाएगा अगर सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। देन 2016 के बजट में अमेंडमेंट आ गई इसको लेकर। 2016 में क्या अमेंडमेंट आई? जो भी हम पैसा विड्रॉ कराएंगे इस अकाउंट से, 40% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट, 40% एग्जम्प्ट हो जाएगा, 40% अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, एंड बैलेंस 60% इज टैक्सेबल। बैलेंस 60% टैक्सेबल हो जाएगा एज पर
स्लैब रेट, जो एसएससी को स्लैब रेट अप्लाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैलेंस 60% जो बचा वो हमारा टैक्सेबल होगा। ये तो ना एम्प्लॉय का केस, मैंने बता दिया सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने कोई भी पैसा एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट कराया तो एटीसीसीडी वन के अकॉर्डिंग उसको उस डिपॉजिटेड अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी, विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम। उसकी इनकम से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड इस पे 1.5 लाख की एटीसीसीई की लिमिट अप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने एनपीएस के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है तो वो एटीसीसीडी वन में डिडक्शन ले जाएगा, विच इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम, प्रोवाइडेड डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, ATCCC, ATCCD1 डज नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80CCE। आई होप ये सेक्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। मैंने कोशिश करी कि मैं इस सेक्शन को आप लोगों के सामने क्लियर कर पाऊं। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल सेक्शन प्रैक्टिकली, मतलब देखा जाए तो ये काफी बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, तो काफी ज्यादा बेनिफिट है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी बेनिफिट है, वो भी उसको भी सीधा सीधा ATCCD1 में एनपीएस में डिपॉजिट कराने से डिडक्शन मिल जाएगी। सो लेट्स वाइंड अप दिस डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आई होगी, ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।